It's been 6.5 months since I came to medical college, and it has had some serious ups and downs. Let me walk you through my day in medical college while I talk about my 6 month experience here. Auntie, ek cup chai pack kar do. It's 14 March 2024. This day I woke up at 5:40. Honestly, main winters mein most days pe 7:40 pe uthti thi. I used to get ready and go to college. I just didn't have the motivation to do anything. Not because sardiyan hain. If you know me, then you might know that I love winters. But adjusting to a new place was hard. Abhi maine thodi self-reflection start kiya hai. Subah uth ke ab main Hanuman Chalisa padhti hoon. उसके बाद अब हेड एंड नेक स्टार्ट हो रहा है एनएट में, तो मैंने वो थोड़ा सा पढ़ाई की. हेड एंड नेक इज़ कंसिडर द मोस्ट डिफिकल्ट, तो मैंने सोचा उसको मैं साथ साथ ही पढ़ती हूँ. आजकल यार सुबह सुबह का मौसम इज़ जस्ट टू डाई फॉर. अब सर्दियाँ थी ना, तो सुबह सुबह गर्म पानी नहीं मिलता था, तो मैंने शाम को ही नहाती थी. पर अब थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा पानी भी होगा तो भी काम चल जाएगा. तो मैं सुबह सुबह ही नहा के धो के बढ़िया से तैयार होगी. अब अपन चलें ये खाना खा के कॉलेज. या जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मेरे को ऐसे लगता था कि यार मैं कब बाहर जाऊंगी, कब मेडिकल कॉलेज जाऊंगी, और मैं इतनी खुश रहूंगी ना यार, क्योंकि यहाँ तो मैं इतनी दुखी हूँ. और अब मेरे को यहाँ पे आके अब ऐसा लगता है कि बस घर चले जाऊँ. दिन गिनते रहते हम लोग कि कब हमें घर जाने का मौका मिलेगा. लाइफ इज़ जस्ट वे टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ यार, enjoy the journey, not just the destination. क्योंकि मे भी आपको destination पर जाके ऐसे realize हो कि यार it was not worth it to do इतनी सारी मेहनत या इतना दुख अपने आप को देना. it was not worth it. हम लोग present में जीने की बजाय या तो past के बारे में सोचते रहते हैं कि यार हम छोटे थे तो कितने अच्छा था, कितने मज़े आते थे, या हम future के बारे में सोचते रहते हैं यार अगर मैं ये चीज़ achieve कर लूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, या ये चीज़ हो जाएगी मेरी लाइफ में, तब मैं कितना खुश होऊंगा. ओके, सो प्रेजेंट में अभी हम दो लेक्चर लगा के अभी हम डाइसेक्शन हॉल में जा रहे हैं. हमारी 2 घंटे की DH की क्लास होती है, और DH में फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 घंटे बाद. दो घंटे तो मेरे लिए, आपके लिए तो 2 सेकेंड ही है. ओके, तो क्लास से आने के बाद होता है हमारा 1 घंटे का ब्रेक, जिसमें मैं सबसे पहले खाना खाता हूँ. उसके बाद चल पड़ते हैं हम हॉस्टल की तरफ, और रूम पे जाके या रेस्ट करना होता है रेस्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ टेस्ट वगैरह होता है, काम वगैरह करना होता है तो हम पढ़ वगैरह लेते हैं. आज का बताऊं तो मेरी एक दोस्त का बर्थडे था, तो उसके बर्थडे का थोड़ा सा केक खाया. फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, वही हेड एंड नेक अपना. ओके गाइस, ब्रेक इज़ ओवर, लेट्स गो टू क्लास. सबसे पहले आई नीड कोई तो बुक. क्या है आज, थर्सडे है, तो मेरे को यार कोई तो प्रैक्टिकल फाइल कुछ तो लेके जानी पड़ेगी टू डू समथिंग. ऐसे तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते, सर भी कहेंगे ऐसे ही मुँह उठा के आ जाते हो. आई कंप्लीट माई हिस्ट्री की फाइल पीछे बैठ के. तो इसके बाद थी हमारी फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें ऑनेस्टली इतनी नींद आ रही होती है. मैं शुरू शुरू की क्लासेस में तो सच में सर के सामने बैठ के सो जाती थी. और 1 घंटे बाद जब ये होता था कि चलो अब लैब में चलो, मतलब पहले ये होता है कि टीचर जो है वो डेमोंस्ट्रेट करते हैं डेमोंस्ट्रेशन हॉल में, और फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिकल लैब में जाना होता है, जो भी प्रैक्टिकल वगैरह होता है परफॉर्म करने. तो जो 1 घंटा स्टार्टिंग का होता था, मैं उसमें सो जाती थी. फिर जब वो ख़त्म होता था, फिर मुझे होता था कि कभी कभी तो सर भी बोल देते थे कि आप सामने बैठ के सो रहे हो, क्या करें यार, तो पैर को खाना खाने के बाद नींद तो आती है ना. मैं थक चुकी हूँ गाइस. फिर क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग जाने वाले थे गोलगप्पे खाने, तो हम अपने दोस्तों का वेट कर रहे थे जिनके साथ हमको जाना था. जैसे हमारा जो कॉलेज है ना, वो काफ़ी आउटस्कर्ट में है,
तो बाहर ना ऐसे ज़्यादा कुछ घूमने वगैरह का है नहीं, थोड़े बहुत लाइक कैफ़े वगैरह हैं जहाँ पे हम खा पी सकते हैं। आई ट्राई टू अवॉइड जंक फूड, बट जंक फूड को मेरे से इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है कि वो ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो सबसे पहले हमने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे खाने के बाद फिर हमने बादाम शेक पिया ठंडा ठंडा, ऑनेस्टली मज़े आ गए थे। आंटी एक कप चाय पैक कर दो। अपना जी चलो आपकी चाय। फिर आके मैंने कपड़े वगैरह किए चेंज। पता है मैं बचपन से ना ऐसे हाई पोनी टेल ही बना के जाती थी स्कूल में, तो मुझे तब इतना दर्द नहीं होता था, पर अब ना मेरी बिल्कुल आदत छूट चुकी थी ना चोटी बनाने की, तो मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द होने लग जाता है। तो मैंने आके अपने बाल खोले और जो मैं बेड पे सारा सामान पटक देती हूँ तो वो सब मैंने साफ़ किया। हाय गाइस, आई एम जस्ट सो फ्रिकिंग एग्जॉस्टेड बाय दिस टाइम। इतनी गर्मी होना स्टार्ट हो गई है अभी, आई डोंट नो, थोड़ा सा लेट हुई, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, शायद मैं ब्लॉग थोड़ा सा एडिट कर लूँ, बाकी देखते हैं यार। थोड़ी देर मैंने वीडियो एडिट की, उसके बाद हम लोग चले गए वॉक करने। कल हमारा फिजियो का टेस्ट है और हमें सिलेबस ही नहीं पता, और ना वो हमें बता रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। यार वॉक करने से ना माइंड काफ़ी ना रिफ्रेश्ड हो जाता है। मैं तो जब तैयारी करी थी ना तब भी हर रोज़ वॉक करने जाती थी मम्मी के साथ। गाइस हम आपको अपनी सिंगिंग स्किल्स दिखाते हैं, चल 1 2 3। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गाइस पिंक आईज किसकी होती है? कंजक्टिवाइटिस। मेरी पहले भी ज़्यादा कोई तबीयत अच्छी तो नहीं रहती थी, पर यहाँ पे आने के बाद यार तबीयत की ना बैंड बजी हुई है। एक तो खाना और घर से दूर, मतलब अगर बीमार भी होते हैं तो भी सारा काम जो है वो खुद ही करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, कॉलेज भी जाना पड़ता है क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। हाय हाय क्यूटी, कैसे हो? कैसे हो, ठीक हो आप? हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसे चल रहा है आपकी लाइफ, कैसे चल रही है? मेरी लाइफ तो ठीक ठाक चल रही है। तो हेल्थ को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए गाइस, तो जब हेल्दी हो तो लेजीनेस में टाइम वेस्ट नहीं करने का। और ये बात मैं आइसक्रीम खरीदते हुए कह रही हूँ। क्या ही होगा मेरा, इतनी थक चुकी हूँ यार मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी तो मम्मी ने मुझे ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बना के दिए हैं। तो अभी मैं रात को वो खा रही थी और साथ में दूध पी थी। एंड डोंट जज माई ड्रिंकिंग कंटेनर, क्योंकि इसी में पूरी जो पूरा जो पैकेट होता है दूध का सिर्फ इसी में फिट आ पाता है, तो इसीलिए मैं इसमें से पी हूँ। प्लीज़ डू नॉट जज मी, ओके? अब हॉस्टल में दो दो चीज़ें कौन धोएगा बताओ। अब सिंस हेड एंड नेक स्टार्ट हो चुका है और ये बात मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, तो मैंने न्यू बुक्स मंगवाई थी। मेरे को इतना क्रेज़ है ना न्यू बुक्स का, नए नए पेजेस का। फिर कल फिजियो का एटकॉम का एक टेस्ट था तो उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की। यार मेरे से अब और कुछ नहीं हो पाएगा, मैं सब बंद करके बस अब सोने जा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, कुछ भी जो आप कमेंट करें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। No one needs to be popular, that's a dream to be popular, kill anyone to be popular. Chal bakwas mat kar.